हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जैविंदर ग्रोह। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब के लिए फर्स्ट वीडियो कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में पूरा जानिए और वीडियो को स्किप ना करें, तो आप पहला वीडियो बना नहीं पाएंगे यूट्यूब के लिए। तो फ्रेंड्स, पहला वीडियो कैसे बना पाए और कैसे उसमें जो शूट करें, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और उस वीडियो को देख के आप उस वीडियो का फायदा उठा पाए। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, यूट्यूब के लिए पहला वीडियो कैसे शूट करें, अगर आपने शूट कर लिया यानी कि एडिटिंग भी कर ली और उसमें आपको क्या लग रहा है, आप खुद देखोगे तो अजीब सा यानी कि गिल्टी फील होगा कि यार मैं बोल कैसे रहा हूँ, मेरा ध्यान किधर जा रहा है और यानी कि मेरा फेस कैसा ब्लैक सा आ रहा, यानी कि मेरा कोई बैकग्राउंड किस टाइप का आया और वॉइस कैसी आ रही है। तो मैं यही सोच रहा हूँ ना आप कि अपलोड करूँ या ना करूँ, या क्या होगा, क्या सोचेंगे गाँव वाले या लोग वाले, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे मेरे, निगास पड़ोस वाले क्या कहेंगे मुझे कि क्या है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूट्यूब पर सक्सेस होना, यूट्यूब से पैसे कमाने और यानी कि यूट्यूब पर एक बड़ा यूट्यूबर बनना, फ्रेंड्स सभी को इन बातों को अनसुना कर दो। दुनिया क्या है या गांव वाले क्या है, दोस्त क्या है, तो इन्हों का कहना ही है और ये कहते ही रहेंगे, यानी कि काम ही कहने का, ठीक है। अगर आप अपने दम पर कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं तो घर दोस्त दुनिया सबको भूल जाओ और सिर्फ अपना जो एम है, जो उद्देश्य है, सिर्फ उस पर ध्यान दो। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि जो वीडियो कैसे शूट करें। तो फ्रेंड्स देखो, आप एक स्मार्टफोन लीजिए, सिंपल सी बात, सबके पास स्मार्टफोन होगा, स्मार्टफोन में आप वीडियो शूट कैसे करें। तो फ्रेंड्स, बैक से तो नहीं होगी, फ्रंट से होगी। क्या होता है कि अगर जो पहली बार शूट करता हो तो उसे पता नहीं रहता क्या था। फ्रेंड्स, मैं उसके लिए सजेशन करूंगा, यानी कि उसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैक से नहीं करें, फ्रंट से करें। फ्रंट से इसलिए करें ताकि आपको जब आप बोले उसे, उससे पहले आपका जो साइज है यानी कि बैठने का, जिसका और बैठ कर बनाते हैं या खड़े होकर बनाते हैं, वो कैसे बनाए, तो उसमें जो साइज है यानी कि तिरछा यानी कि सीधा है, उसमें देख सकते हैं। और देखने के बाद तब आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, अपने वीडियो को शूट करने के बाद और एडिटिंग करें, एडिटिंग करने के बाद अपलोड करें। तो फ्रेंड्स, यही बात आई है कि अपलोड करें कि ना करें। तो फ्रेंड्स, अब देखो कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं कि उन्होंने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो कैसी थी, ताकि यानी कि सिर के ऊपर छत भी नहीं थी, कहीं भी बनाते रहे थे। अब मनोज दे को देख लो, जो फर्स्ट वीडियो है आप देख सकते हैं मनोज दे ने कहाँ से स्टार्टिंग करी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूं कि अगर जो भी आज यूट्यूब पे बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूबर बन चुके हैं यानी सक्सेस हो चुके हैं, फ्रेंड्स वो कोई बड़े घर से नहीं थे, वो भी सब स्टैंडर्ड थे, यानी कि छोटे मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आप यानी कि आपका जो स्टैंड है वो सही है, यानी कि आज का जो है और जो पहले का तौर था वो बहुत ही खराब था, अब तो कुछ सुधार हो चुका है। फ्रेंड्स, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वीडियो जैसी आपने शूट करी है, आप उस पर मत ध्यान दो कि लोग क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपलोड कर दो। अब ये तो यानी कि आपकी वीडियो डाली कि यानी कि वायरल हो गई, ऐसा नहीं होने का। तो फ्रेंड्स, आपको किस बात का डर, चार पांच व्यू आएंगे, यानी कि ज्यादा लोगों के पास जाने की भी नहीं है तो कोई देखने का भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप मेहनत करते चले जाओ, रेगुलर वीडियो डालते चले जाओ, एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। फ्रेंड्स, एक बात बता दो, यूट्यूब पर पैसा बहुत है, आपसे लिया नहीं जाने का इतना मेरा दावा है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, इतने बताना आया था कि आप यूट्यूब पर जो भी वीडियो बना रही है, जैसी भी बनाइए, आप अपलोड कर दें। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।